मुझे अनुदान की मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहकारिता पे बोलूँगा। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता समिति सरकार ने इसलिए खोली है कि किसान को उचित समय पर उसको खाद बीज मिले, उचित समय पर उसको ऋण मिले। और किसान ये भी नहीं चाहता है कि वो सहकारी समितियों से ऋण ले, लेकिन किसान की मजबूरी है, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए वो सहकारिता पर जाकर लोन लेने की बात करता है। लेकिन समय पर उनको ऋण भी नहीं मिलता है। और किसी किसान को ऋण मिल भी गया तो उसमें व्यवस्थापक और जो भी कर्मचारी हैं मिली भगत से उसको जो 25,000 का ऋण देना चाहिए, वो 25,000 का ऋण पूरा नहीं मिलता, उसको आधा ऋण मिलता, वो आप भी जानते हैं। उसके बाद दोबारा वापस उस किसान को ही ऋण मिलेगा, नए किसान को ऋण नहीं देंगे। तो जो कोऑपरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक है, वो वसूली के लिए उन कर्मचारी को कहेगी तो वो कर्मचारी, वो किसान नहीं भर सकता है तो दूसरा लोन पास करके वो पैसा वापस उसमें बता देंगे वसूली में, और उधर किसान का लोन बोल ही रहा है। तो ये भ्रष्टाचार काफी हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि ऐसे जो सहकारी समितियां हैं उसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरे राजस्थान में या हमारे सबके जिलों में सहकारिता से यूरिया, डीएपी और केमिकल वाला हम अनाज दे रहे हैं इनको, वही किसान उगा रहा है। तो मैं चाहता हूं, मांग करता हूं कि ये जो डीएपी यूरिया को बंद करके क्यों उन्हें जैविक खाद दिया जाए उनको, जिससे ये कैंसर की बीमारियां, जितनी बीपी हीपी जितनी बीमारियां हो रही हैं वो कम हो गए। आपने भी बात की, मिलावट की बात की, तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जैविक खेती पर जोर देना चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो ये हमारे लिए मंत्री भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो क्या करोगे मंत्री और एमएलए बन के और अच्छे अधिकारी बन के? आज मिलावटखोर इतनी हो गई है, बहुत हो रहे है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत थाना, ग्राम पंचायत चुंडावाड़ा, ग्राम पंचायत पाल देवल, ग्राम पंचायत सतीरामपुर, ग्राम पंचायत कनबा, ग्राम पंचायत घुघरा, ग्राम पंचायत रामपुर मेवाड़ा और दोवड़ा की बस्सी सहकारी समिति लैम्स, वहां पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने लोन नहीं लिया उनका भी माफ हुआ है। तो मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों की जांच होनी चाहिए और जो भी व्यवस्थापक है, जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि ग्राम पंचायत मजोला और ग्राम रोहनवाड़ा में सहकारी समिति नहीं है तो आप जल्दी वहां पर सहकारी समिति खोलें, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। और माननीय सभापति महोदय, मिड डे मील की बात, जो स्कूलों में पोषाहार वितरण हो रहा है उसमें काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, और मिड डे मील भी प्रशासन की मिलीभगत से उनको ही लोग, इनके ही लोगों को मिल रहा है। तो मिड डे मील में जो टेंडर कराए हैं आपने, उनको निरस्त कराए, एक ही समाज के व्यक्ति को मिल रहे टेंडर, ये कैसे हो गया? मतलब एमडी और सबकी विभाग की सांठगांठ चल रही है, तो इसमें भी एमडीएम में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो अभी टेंडर हुए हैं उनको निरस्त किए जाएं। और कोऑपरेटिव बैंक में जो एमडी जो भी लगे हुए हैं उन सबका कमीशन रहता है, माननीय मंत्री महोदय ये जांच कराइए आप और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। डबल इंजन की सरकार ऐसा काम करेगी तो मानेंगे हम कि डबल इंजन की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपके माध्यम से हमारे खाद्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में 77 साल हो गए
देश को आजाद हुए, लेकिन कागजों में रिकॉर्ड में वहां पर लिखा जा रहा है कि राशन की दुकान किसके नाम, उमेश भील के नाम, रामलाल डामोर के नाम, हीरालाल भील के नाम, लेकिन वहां मौके पर वो भील राशन की दुकान नहीं चला रहा है, वहां कोई और दूसरे व्यक्ति दूसरे वर्ग का जो राशन की दुकान चला रहा है। और यहाँ खाली हम जान रहे हैं कि एसटी को आरक्षण मिल रहा है, एसटी को फायदा मिल रहा है, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो राशन की दुकान आदिवासियों के नाम है वो आदिवासी ही चलाए, उनको ही मिलने चाहिए, और जो दूसरे नाम से चला रहे हैं उनका लाइसेंस निरस्त करें, उनको तुरंत हटाया जाए। ये माननीय मंत्री महोदय आपसे मांग करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा में जो अपात्र लोग, अरे टीएसपी में कौन से अपात्र लोग हुए, टीएसपी में तो सभी पात्र लोग हैं, वहां पर तो लघु सीमांत कृषक हैं, एक बीघा दो बीघा जमीन है और पथरीली पहाड़ी जमीन है, वहां तो सभी पात्र हैं। पात्र और अपात्र क्या होता है, टीएसपी क्षेत्र में सभी पात्र हैं, सभी का नाम खाद्य सुरक्षा में नाम उनका जोड़ा जाए। पहले जो एक राशन कार्ड था बाप के नाम, तो बाप के चार बेटे थे, चार बेटों की शादी हो गई, छोटा बेटा हमारे समाज में बाप के साथ माता पिता के साथ रहता है, तीन बच्चों का तो घर, सर एक मिनट, तीन बच्चों का तो घर अलग अलग बनाया, उनके बच्चे भी शादी करने लायक हुए, लेकिन उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, तुरंत पोर्टल खुलवाएं, दिल्ली जाएं, मोदी जी के पास जाएं और तुरंत पोर्टल खुलवा के जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाए और उनको फायदा दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से आपसे मांग करूंगा कि एक व्यक्ति को भी 5 किलो गेहूं मिलते हैं और हम मेहनत करने वाले हैं खेतों में, 5 किलो गेहूं हम महीना भर नहीं चला सकते हैं, चार चार रोटी खाते हैं, वो पूड़ी वाली सब्जी, पूड़ी वाली रोटी नहीं खाते हम, वो भी वजन वाली खाते हैं, आप तो खाली दो दो पूड़ी में पेट भर जाता है, लेकिन मेहनत करता किसान का पेट नहीं भरता, चार रोटी वो भी मोटी खाता है। तो मैं मांग करूंगा प्रति यूनिट व्यक्ति के 10 किलो गेहूं किए जाए, प्रति यूनिट सर बोलने तो बोल, प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं किए जाए। और माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह भी मांग करूंगा कि आजकल गांवों में बिजली बिल्कुल गुल हो गई है, शाम को 8 बजे आएगी तो सुबह, अरे अरे सर वो नहीं, मैं मांग कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वो बता रहा हूँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सभापति महोदय कि केरोसिन चालू करे, अरे सभापति महोदय, सभापति महोदय केरोसिन चालू करे, केरोसिन मिट्टी का तेल चालू करे, तो हमारे बाप दादा पहले चिमनी जलाते थे, लालटेन जलाते थे तो उजाले में रह सकते थे, इसलिए बिजली नहीं मिल रही है तो वापस हम चिमनी तो जला सके कम से कम, इसलिए मांग करना चाहूंगा कि आप केरोसिन वापस चालू करें। माननीय मंत्री महोदय जी, ये डबल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 किलो शक्कर गेहूं जो भी सामग्री थी फ्री में दिया था, लेकिन आपकी सरकार ने वो खाली थैली मोदी जी की दे दिए, हमारी तो थैली भर के दी थी कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, लेकिन आपके अभी राशन की दुकान पर खाली थैली दे रहे हो, तो खाली थैली में कुछ भर के भी तो दो, क्या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो क्या? माननीय मंत्री महोदय, आपसे मांग करना चाहूंगा कि ये मेरी मांग पूरी करी जाए। धन्यवाद, जय हिंद।